और दोस्तों, पॉजिटिव अफर्मेशन पर शक मत करिए, ये 100% वर्क करती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बस हम हमेशा नेगेटिव रहते हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट आते हैं, जीवन में बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ाएं हैं, बहुत सारी डिसीजेज हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो यानी कि जब आप नेगेटिव हो तो नेगेटिविटी काम कर रही है, यानी आपका जीवन दुखमय बन रहा है, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आपको फाइनेंशियली लॉसेज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ नेगेटिव थॉट, बिकॉज ऑफ नेगेटिव अफर्मेशंस। ये जो नेगेटिव थॉट है, यही तो नेगेटिव अफर्मेशन है। तो जब बुरे विचारों की वजह से आपका नुकसान हो सकता है, तो क्या अच्छे विचारों की वजह से आपका फ़ायदा नहीं हो सकता? 100% हो सकता है ना। जब चिराग बुझाने से अंधेरा हो सकता है, तो क्या चिराग रोशन करने से उजाला नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन हमें यह विश्वास ही नहीं आता। हम तो दिया जलाना ही भूल गए, और कोई दूसरा जलाने की कोशिश भी करे तो खुद ही फूंक मार के बुझा देते हैं। हमें यकीन ही नहीं होता, हम ये भूल ही गए कि हम पॉजिटिव होकर अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। हमें सिर्फ इतना याद रहा कि हम नेगेटिव हैं, हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया। हम नेगेटिव विचारों से भरे हुए हैं और हमारी लाइफ नेगेटिव हो गई, दुख दर्दों से भर गई, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हम ये नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि अगर हम पॉजिटिव हो जाए तो ये बदल भी सकती है। इट्स सो सिंपल। सिंपल है कि नहीं है? जब नेगेटिव रहने से बदतर हो सकती है, तो पॉजिटिव रहने से बेहतरी नहीं हो सकती क्या? अरे 100% हो सकती है। लॉजिकली सोचो ना आप, हो सकती है। पॉजिटिव सोचना एक हैबिट है, इसकी आप आदत बनाओ। अब यकीन मानो, मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचता हूँ और मुझे हर जगह रास्ते मिलते हैं। मेरे बिगड़े हुए काम अपने आप बनने लगते हैं। जो लोग मुझसे जुड़ते हैं, मेरी बातों को पढ़ते समझते हैं, मुझसे सीखते हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी तेज रफ्तार से बदलने लगती है। ऐसा न जाने कितने लोगों के साथ मेरा अनुभव है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा और झूठ भी नहीं कर रहा और कोई अपना प्रचार भी नहीं कर रहा, मैं तो प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप मेरे बहुत सारे कोर्सेज करो, मुझसे रिकॉर्डिंग बनवाओ, मेरी किताब पढ़ो, तभी आपकी लाइफ बदलेगी। नो, ये सब चीज़ें क्या है, आपकी हेल्प करती है। वैसे ही होता है ना कि जैसे बच्चा स्कूल जाता है कुछ तो अच्छी तरह से नहीं समझ पाता, तो फिर वो क्या करता है कि और एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट आ जाए तो फिर वो ट्यूशन भी ले लेता है, कोचिंग भी ले लेता है। क्योंकि अगर कोई एक और टीचर उसे मिल जाए तो क्या होता है, उसे रिमाइंडर मिलता है। उसी सवाल को क्लास में पढ़कर आया तो उसे शायद वहाँ नहीं समझ में आया, फिर उसी टीचर ने उसे रिमाइंड करवा कर फिर से समझाया तो उसे अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो मैं तो क्या हूँ, मैं तो एक रिमाइंडर देने वाला पर्सन हूँ। मैं तो आपको ये याद दिलाने वाला पर्सन हूँ कि आप पॉजिटिव होकर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। इसके लिए मेरे कोर्सेज, क्लासेज, अफर्मेशन की रिकॉर्डिंग्स और बुक्स हैं। अदरवाइज यू कैन चेंज योर ओन सेल्फ, आप खुद ही अपने आप बदल सकते हो। ये कोई बहुत मुश्किल नहीं और बहुत नामुमकिन भी नहीं। हर वो चीज़ जो नामुमकिन नज़र आती है वो मुमकिन ही है, ना तो हमने अपनी नेगेटिविटी से उसमें छोड़ दिया, अदरवाइज वो मुमकिन थी। अब मैंने ये बोल दिया कि हर चीज़ मुमकिन है, तो अब बहुत सारे लोग मुझे मैसेज इस तरह के मत करने लगना कि मुझे उसी लड़की से शादी करनी जो मुझसे नहीं करना चाहती, तो ये मुमकिन क्यों नहीं है सर? अरे भाई, वो करना नहीं चाहती, वो एक माइंडसेट लेकर बैठी और तुम करना चाहते हो। वो एक अफर्मेशन दे रही कि मुझे तुमसे शादी नहीं करना, और तुम अफर्मेशन दे रहे हो कि मुझे तुम्हीं से ही करना है। तो कैसे पॉसिबल होगा? जिसके वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे, जिसके वाइब्रेशन तेज होंगे, फैसला उसके हक़ में होगा। समझ रहे हैं ना आप? तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन पर शक मत कीजिए, लगातार पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराते रहिए, देखिए बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे वीडियो देखते हैं। अच्छे लगते हैं तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। मन और ध्यान आपकी हर समस्या का समाधान। इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए। अब मन और ध्यान
हर समस्या का समाधान आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी।